देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप 2023 खेला जाएगा। एशिया कप में भारत अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। बतौर विकेट कीपर टीम इंडिया के स्क्वाड में एक स्टार खिलाड़ी की वापसी हुई है। एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 2 विकेट कीपर को शामिल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि केएल राहुल की वापसी के बाद संजू सैमसन का एशिया कप स्क्वाड में पत्ता कटा है। वेस्ट इंडीज के दौरे पर संजू सैमसन के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका था, लेकिन वह चूक गए। वेस्ट इंडीज के दौरे पर संजू सैमसन ने 2 वनडे मैचों में केवल 1 और 51 रन ही बनाए। वेस्ट इंडीज के दौरे पर वनडे सीरीज के बाद खेली गई T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी संजू सैमसन पस्त नजर आए। संजू सैमसन ने खराब प्रदर्शन करते हुए 3 T20 मैचों में 12, 7 और 13 के स्कोर बनाए। हालांकि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दूसरी T20 में 40 रन की पारी खेली। इस टूर्नामेंट में राहुल मुख्य विकेट कीपर होंगे, वहीं ईशान किशन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है। संजू सैमसन के बतौर बैकअप खिलाड़ी स्क्वाड में जगह मिली है। तो क्या लगता है आपको, संजू सैमसन को एशिया कप में स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।